मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम है, छोटा सा जीव और आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। जैसे कि आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा, हमारे नंगू साहब पर्दे से छुपा रहे। देखना, मैंने बोला भी, मैंने कहा टी शर्ट पहनो, इन्हें बाकी बात गर्म हूं भाई। हम तभी तो हूं यार गर्म, पर यो बाकी बात गर्म हो रहा। जो देखना टी शर्ट नहीं डाल रही थी, पर्दे पे लपेट लपेट। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया, कड़ 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 पता नहीं क्यों यार, जब ये आता है कड़ 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 करते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो हाँ बता दो, अभी फिलहाल मैंने मॉर्निंग का नाश्ता वास्ता बना लिया। मैंने कहीं ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तुम जरा यहाँ पे रख दो नाश्ते को। तो ये वही नाश्ता लेके आ रहे हैं, सब्जी सुब्जी गरम गरम कर दी और चाय चुय बना दी, बस उबाल आ रही थी उसमें। मैंने कहा देखना थोड़ा मैं व्लॉग वो कर दी, है ना। तो हाँ, मैं आप लोगों को मेन बात बताने वाली थी। मेन बात मैं जैसे कि कल बताई रही थी आपको कि मैं ससुराल जा रही हूँ अपने, फिर आपको मेरे व्लॉग में सासू माँ काजू नैन्सी सभी देखने को मिलेंगे। तो मैं आज निकल जाऊँगी और शायद मेरे पति देव आए मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए। आधे रास्ते मतलब मैंने बल्ला बल्ला में कर रखा ना, तो बल्ला बल्ला में कर रखा, तो मेरे उनसे बात हुई, हमारे साइड के ही निकले वो भी। तो मैंने कहा चल ये भी ठीक हुआ, जान पहचान के निकल गए नहीं। तो फिर मैं उनके साथ चली जाऊँगी और ये मुझे आधे रास्ते मतलब जहाँ तक बल्ला बल्ला हमने जहाँ से पकड़नी है वहाँ तक छोड़ देंगे मेरे को, बस इतना बहुत है। बाकी ना पूछते हैं मेरे बगैर कैसा लगेगा। बड़ी मुश्किल से मनाए मैंने कपड़े पहनने के लिए, मैंने कहा यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, बिना कपड़ों के वहाँ पे नहीं आना। कैसी गर्मी लगती होगी ना, हमें नहीं लगती होगी गर्मी। नहा के आते हैं और टी शर्ट नहीं पहननी, बल्कि मैं तो सुबह देख रही थी कि उन्होंने अभी ड्यूटी भी जाना है, मैं प्रॉपर नाश्ता करना है, फिर वो जाएंगे ड्यूटी। तो फिर जब वो ड्यूटी से आएंगे तब आएंगे वो मुझे छोड़ने के लिए। तो मैं क्या करेंगे, शाम को ही आऊंगा यार मैं। हाँ तो बल्ला बल्ला कितने बजे का है, ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर तो। चार पाँच बजे देख, पाँच बजे चार पाँच साढ़े चार तक देख लेना यार, आओ ना। हाँ तो पतिदेव को पूछते हैं मैं जा रही हूँ, आपको छोड़ के कैसा लग रहा है आपको। बेटा चेहरे पे तो 6 इंच की स्माइल आ रही है आपकी। हाँ हंस रहे हो आप, मैंने देखा हंसना ही हंसना ही वो नहीं होता है, स्माइल देख रहे हैं। कोई नहीं, आपने कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कोई नहीं तो एडजस्ट करना होता है। ठीक है तो ये आ गया हमारा सब्जी रोटी घट दबचे आपको तो करना। तो ये रही हमारी सब्जी, मैं कोई खुंदीदार दे कौन सी सब्जी है इन्होंने? ये है पनीर की भुजिया, पनीर चाप। हाँ चाप है, बना चो तुम के। बस 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 बस, अरे जा जाने धर यार, मां कसम से जिंदगी है, जिंदगी में पता नहीं है। अरे दगड़े तुम भी खाए जा। तो फाइनली ना हमारा नाश्ता पानी हो चुका है, मेरे पति देव हो रहे हैं तैयार और मैं लेट चुकी, ऐसे मैं उन्हें देख रही थी। तो मैं उन्हें बोल रही थी मेरे पति देव कितने हैंडसम लग रहे हैं रोनाल्डो की तरह। मुझे पता नहीं किसी ने कमेंट किया था आपके पति देव रोनाल्डो की तरह लगते हैं। तो वो आगे शीशे में देख रही थी, मैं उन्हें ऐसे मुस्करा रहे यार समझे, अलग ही लुक आता है उनका भाई, हीरो लग रहे मेरे पति देव। कलो सच में यार कुछ तो बात है तुम पर, इन्हीं अट्रैक्ट हो में तुम पर। कुछ नहीं कहती मैं तो, क्या हैंडसम तो हो आप। आपका ये जो पीछे का सर है ना, ये सर वाला हिस्सा आपका बहुत मस्त लगता है, मतलब जैसे बाल बाल कटवाते हैं ना, तो मतलब अच्छा लगता है, परफेक्ट।
पतला पतला सा यहाँ से ऊपर से, मतलब खूब सुंदर सा सर है उनका। आप लोग बोल रहे होंगे कितनी तारीफ कर रही ना। वैसे मुझे उनके सामने उनकी तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात है, अगर मैं इनकी तारीफ कर दूँ इनके सामने ना, सारे काम फट 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 कर देंगे भाई। बाल काटने तो बोलो। तो बस वो हो गए तैयार, तो आप जाएंगे, बोल रहे तुम्हारी वजह से लेट हो गया। मेरी वजह से क्या लेट हुआ, मैंने तो नाश्ता पास्ता करवा दिया। आप चाहो जल्दी जल्दी, आपका अपना टाइम। छोटा रोनाल्डो ले लगा नहीं हो हाँ बुढ़ा लगा नहीं हाँ सीजी में आगे पीछे ऐसे देख रहे ना चाचू है। ये अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ शीशे में बिल्कुल मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। कई टाइम मेरा मेकअप इनके काम भी आ जाता है। तो जल्दी आना ठीक है। चलो दोस्तों ये जा रहे हैं, तो फिर मिलेंगे हम इनसे जब ये आएंगे बाद में ठीक है। तब तक मेरे बहुत सारे काम है, बर्तन मांजने हैं, नहाने हैं, कपड़े धोने हैं, तो फिर मेरे को अपना ब्लॉग भी एडिट करना था, तो देखते हैं क्या क्या होता है ना। तो फाइनली पतिदेव तो चले गए, अब मैं फटाफट सबसे पहले अपने बर्तन धोती हूँ और उसके बाद मुझे अपने ब्लॉग भी कंटिन्यू करना था, ब्लॉग एडिट करना, अपलोड करना। और अभी मेरे इतने सारे बर्तन बचे हैं, किचन की भी सफाई करनी है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल आप बने रहिए। तो मेरा किचन हो चुका है एकदम चकाचक, तो मैं जा रही हूँ फटक से नहाने क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना होगा। मतलब जल्दी से जल्दी नहाऊंगी तो ही बाल सूखेंगे, वरना बाल गीले रहेंगे तो मेरे लिए और परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए फटाफट पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो होगा वो होगा ठीक है। ठीक करे मैं दबड़ चप्पल पुछ कर दी यार कसम। फाइनली दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ, अच्छा लग रहा है नहा के, तो मैंने सोचा थोड़ा अपना सिंदूर वगैरह भर लेती हूँ। वैसे गीले बालों में नहीं भरते कि मैंने सुना है ठीक है, मैं सुनती हूँ तभी बोलती हूँ, खुद का मुझे पता नहीं था। लेकिन खाली मांग मुझे अच्छी नहीं लगी, तो थोड़ा सा भरना तो है ही। बाकी बाल सूख जाएंगे तब भरूंगी जाते टाइम, है ना। और बिंदी कहाँ होगी मेरी, बिंदी भी लगाती हूँ। बस लग गया मेरा बिंदु। यार मैं कुछ बोलते रहती हूँ, आप लोग थोड़ा इग्नोर करा करो, है ना। कभी कभी मेरा मुंह बिगड़ जाता है, खिसक जाता है। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं थोड़ा अपने कपड़े वपड़े प्रेस करूँगी जाने के लिए, जो कपड़े ले जाऊँगी पहन के, तो वो थोड़ा प्रेस व्रेस करूँगी। तो मैं आपको ना तभी मिलूँगी ठीक है, तब तक आप मेरे साथ बने रहो। आ चुके दोस्तों, आ ले ले मेरा बुड्ढा आ गए है, मेरे पति देव आ गए है। जितनी बार मैं आपको देखूं ना, उतनी बार आपसे प्यार हो जाता है। क्या करूं मैं इस दिल का, एक ही दिल है, कितनी बार दूं मैं आपको, एक ही दिल कितनी बार दूं मैं आपको। लग नहीं थी मैं नहीं देखने समय देखो ना, ही नहीं लग रही कि आपसे तो गोरा ही लग रहा हूँ। तो यार आप चलो आगे,
है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही होता होगा या मुझे लगता है सभी के साथ, या फिर जिनके हस्बैंड जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं मजाक हाँ, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जब हमारे पति हम सुन तो चुपके से क्या बोलेंगे, ठुस के बोल देना ताकि सुने, देखना दरवाजे से सुनने के लिए आ गए, वो देखना ऐसे कंदुड़िया है ना, ये कंदुड़िया मतलब कान लगा के सुनने वाले, मैं तो ठुस के बोलने वाले थे पर इन्होंने सुनने की वजह, तो ऐसा होता है कि मैं बता ही देती हूँ चुपके से, यहाँ कोड़े में आके बताती हूँ, पीछे से कोई देख नहीं, तो ऐसा होता है जब हमारे पति यहाँ पे आके सुनने के लिए अब चले, तो ऐसा होता है जब हमारे पति देव हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो फिर हम ना उनके सामने ना बच्चे वाली एक्टिंग करने लगते हैं होता है ना, मुझे ऐसा होता है और मुझे लगता है औरों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम उनके सामने जानबूझ के बच्चों वाली हरकतें करने लगते हैं, तो वो अच्छा लगता है, मतलब मन से खुद ही होता है, जानबूझ के नहीं करते पर मन से मतलब खुद ही निकल जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा मैं घर में अपने माँ और के साथ कभी नहीं करती थी पर इनके साथ बहुत बचकानी हरकतें करती हूँ मैं, तो ये चीज़ है। मैं पहनूंगी घर जाने के लिए ये, और सासू माँ कितने खुश होंगे ना मुझे देख के, मैं उन्हें हमेशा शाम को 6 बजे फ़ोन करती थी, और अब मैं अगर शाम को 6 बजे उनके सामने रहूँगी हाँ तो यक फ़ोन के बजाय मतलब मैं रहूँगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना, काजू नैन्सी को भी अच्छा लगेगा, तो चलो देखेंगे घर पे जाके उनका रिएक्शन। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ है ना, मतलब खुशी भी हो रही घर जाने की कि हाँ सबको देखूंगी, पूछी और को भी देखने जाऊंगी, मतलब राधे को देखूंगी, राधे चलने लगी है पता, तो मतलब ऐसा होता है ना बच्चों को देखने का ज़्यादा मन करता है जो छोटे छोटे होते हैं, तो और बुरा भी लग रहा है कि अपने पति देव के बिना जा रही हूँ, कुछ भी हो कहीं भी हो ना पति देव के साथ जाना एक अलग ही फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सब मेरे साथ है, अगर पति देव साथ में तो सच में कसम से, पति देव साथ में नहीं है तो मतलब ऐसा लगता है कि अकेले अकेले मतलब बेकार ही लगता है सच में, तो खैर कोई बात नहीं समय आता है ऐसा भी है ना, हर सिचुएशन में ढलना चाहिए इंसान को, तो कोई बात नहीं चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, अब तैयार होने के बाद आपको डायरेक्ट मिलूंगी है ना। हाँ तो 3 बजे मैं मतलब 3 पौने 3 पे मैं निकल गई थी, जल्दी जल्दी के चक्कर में फटाफट नहाया, मैंने 1 घंटा लग जाता मुझे नहाने, तो मैंने 40 मिनट में नहा लिया था, उसके बाद 2:45 पे बाहर निकली, तो अभी मतलब अभी टाइम हो रहा है टाइम शायद 3:15 तक हो गया मुझे लग रहा है, और 3:30 तक मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी वैसे कपड़ों वाला ज़्यादा झंझट नहीं है, नॉर्मली कपड़े पहने हैं ना, फटाफट जल्दी से निकलूंगी और शाम को शायद 6:45 तक पहुँचूंगी, तो आजकल 6:45 तक काफ़ी उजाला रहता है, तो मतलब ठीक रहेगा 6 बजे के आसपास है ना, बाकी चलो देखते हैं जो होगा तब भी है ना। मोटो आराम से जा ठीक है, और फोन करते रहे बीच बीच में, आप करना मुझे फोन, अरे मिलकर नहीं आपको पता मेरे को नींद आ जाती है, नींद आ जानता, ये भी ले जा लेती हूँ ना, हाँ ले जा, ये मेरा नया मास्क है अभी मैंने खोला भी नहीं, इसको भी रख दीजिए बैठ जा ठीक है, फोन करता रहे यार, और आप आ रहे हैं छोड़ना, चलो ठीक है।